राहुल वैद्य अपने फैन एडिट्स को ऐसा लग रहा है बहुत क्लोजली देखते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने फेवरेट फैन एडिट को किया है अपनी प्रोफाइल पर शेयर। क्या है पूरी खबर, चलिए बताते हैं इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। वही राहुल वैद्य के फैंस जो है बहुत एक्टिव रहते हैं, उनके लिए फैन एडिट्स लगातार शेयर करते रहते हैं। ऐसे में उन्होंने एक फैन एडिट बनाया है जिसमें कबीर सिंह की बैकग्राउंड म्यूजिक लगाई है फॉर द टास्क इन विच राहुल वैद्य वॉज प्लेइंग फॉर टिकट टू फिनाले। जी हाँ, वो टास्क आपको याद होगा ना, जिसमें कनेक्शंस भी साथ में थे। बिग बॉस 14 के घर की बात हो रही है यहाँ पे, जहाँ पर ड्रम जो आया था उसके अंदर गोनियाँ भरनी थी, बोरियाँ भरनी थी। एंड जिस टास्क में राहुल वैद्य बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे थे, लाइक ही वॉज फाइटिंग फॉर इट, क्योंकि वो हो सकता था उनका चांस टू रीच द फिनाले। लेकिन वो टास्क हार गए थे, रुबीना दिलैक वो टास्क जीती थी और टिकट टू फिनाले निकी तंबोली को मिला था। वो तो गेम की यादें हो गई, लेकिन हाउ फियर्सली राहुल वैद्य वॉज फाइटिंग फॉर दैट टास्क, उस चीज को पूरा एक कैप्सुलेट करते हुए ये फैन एडिट बनाया गया है जो राहुल वैद्य को बहुत पसंद आ रहा है। बिकॉज दिस इज समवेयर शोइंग ऑल हिज इमोशंस, की किस तरीके से वो फियर्सली फाइट कर रहे थे गेम में। ही वॉज ऑल देयर इन द गेम, मतलब वो इस तरीके से गेम को खेल रहे थे जैसे कि दिस वॉज हिज ओनली चांस टू डू समथिंग रियली बिग इन द गेम। तो वो जो उनका फियर्सनेस थी, वो उनका एक कॉन्शियसनेस थी, जहाँ पर जैसन उनसे बोलती है तुझे सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं, समझ, कंट्रोल योर एंगल, जिस तरीके की उनकी वॉक होती है, एवरीथिंग इज सो ब्यूटिफुली कैप्सुलेटेड इन दैट होल फैन एडिट, के हमको भी बड़ा मजेदार लग रहा है। तो भाई राहुल वैद्य को तो अच्छा लग ही रहा होगा, एंड ही शोज दिस ब्यूटिफुल जेस्टर बाय शेयरिंग इट ऑन हिज प्रोफाइल ऑन इंस्टाग्राम, और फैंस को थैंक यू भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में राहुल वैद्य के बारे में, इस जेस्टर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा हम आपको बता दें कि राहुल वैद्य जो है टी सीरीज के साथ दो म्यूजिक वीडियोस में जल्दी ही नजर आएंगे, एक रोमांटिक होने वाला है तो दूसरा पार्टी नंबर होने वाला है। दोनों के लिए हम काफी एक्साइटेड हैं। इनफैक्ट राहुल वैद्य को उनके अगले प्रोजेक्ट में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। आप कितने एक्साइटेड हैं जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि और भी कई सारी खबरें हैं लगातार आप तक पहुंचाएंगे।